सभा में उपस्थित सभी गणमान्य महिलाएं एवं पुरुष, मैं आप सभी को नमन करता हूं और एकल भारत लोक परिषद का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया और आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हो सका। मैं IRCON से CSR देखता हूं और 2017-18 से एकल फाउंडेशन के साथ IRCON का CSR प्रोग्राम चलता रहा है। हमने छत्तीसगढ़, झारखंड में 2 प्रोग्राम किए और पिछले साल 300 एकल विद्यालय का एक कार्यक्रम हमने बारामूला में शुरू किया। छह सौ का सैंक्शन था और कुछ कारणों की वजह से अभी वो 300 तक सीमित है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो आगे के कमिटमेंट हैं वो भी उसी तरह से चलते रहें। एकल विद्यालय सिर्फ विद्यालय ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है। इसके तहत हमने कंप्यूटर की ऑपरेशनल लैब भी शुरू की जो छत्तीसगढ़ में हमने दी है और गांव-गांव जाकर वो कंप्यूटर लैब बच्चों को शिक्षा का बैकग्राउंड उनकी फाउंडेशंस बनाती है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड लिटरेसी बच्चों को देती है। जैसा हम सब जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति और समाज में जितनी कमियां हैं उसको लड़ने में बहुत कारगर है और एजुकेशन में ऐसा है कि कम से कम इनपुट में आप समाज में बड़े से बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारे जो नीति निर्धारक हैं, जो जिन्होंने एकल विद्यालय की स्थापना की, उन्होंने महसूस किया कि सरकार के पास सीमित संसाधन हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने के बाद भी, सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम करने के बाद भी हम पूरे देश को पूरी तरीके से लिटरेट नहीं कर पाए। गैर सरकारी संस्थान एकल मिशन ने जिस तरीके से शिक्षा को गांव में पहुंचाया है, बच्चों को जोड़ने का प्रोग्राम किया है, 22,000 रुपए में पूरे साल स्कूल को चलाना, सारी जरूरतों को पूरी करना, और मुझे अभी ये भी पता लगा है कि कुछ गांव में अब इस तरीके का मूवमेंट है कि वो पैसे ही नहीं लेंगे और अपना प्रोग्राम खुद पे खुद चला लेंगे। इससे बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। हम सबको बधाई देनी चाहिए जो एकल विद्यालय को चला रहे हैं और मेरे ख्याल से ये जो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसको शुभकामनाएं देनी चाहिए और जितनी मदद हम इसको कर सकते हैं उतनी हम भविष्य में करेंगे। इसको इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं वाणी को विराम देता हूं।